you थ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश लोना चमारी लूना चमाइन साधना डाइन बोला गया उनको कुछ कुछ किताबों में डाइन इस भाव से बोला गया लगा कि जो अभी डाइन जोगिने बोला जाता है जो विच अंग्रेजों ने टर्म लाया वैसी डाइन डाइन नहीं डाकिनी थी डाकनी यानी तंत्र विद्या में सर्वोच्च नाथों के बाद अगर कोई तंत्र में सानी पा सकती हैं तो वो डाकिनिया होती हैं बहुत सारे नाथों की गुरु रही डाकिनिया वैसी ही थी लूना चमारी लूना चमारी एक साधक थे इस्माइल उनकी शिष्या थी और अनेक ब्राह्मणों की गुरु थी लोना चमारी अब तो अभ्रंश हो गया है लोना चमारी के बारे में अलग अलग बातें लिखी जाती हैं कि पंजाब में थी इनकी राजस्थान में थी लेकिन कहीं नहीं लोना चमारी एक ही थी कामाख्या स्त्री तंत्र की जो मास्टर थी जैसे साबर के मास्टर नवनाथ थे स्त्री तंत्र की जो मास्टर थी वो लोना चमारी थी जो आप कहानियाँ सुनते हैं कि वहाँ जाने पे इंसान को बकरी बना के रख लेता है लोना चमारी उनकी मायाजाल का कोई काट नहीं था तो सिर्फ मायाजाल नहीं था लोना चमारी के पास लोना चमारी ने बहुत सारी ऐसी साधनाएँ और सिद्धियां हम लोगों को दी जो बहुत सहज थी और उसके प्रयोग से हम अपने जीवन को तंत्र मुक्त बना सकते हैं दुष्ट आत्माओं से मुक्त बना सकते हैं और भी बहुत तरह की साधनाएं दी आज मैं वैसे ही एक साधना दे रहा हूँ ये एक साबर मंत्र है जिसको मैं अभी तीन बार बोल के आपको बताऊंगा, आप लोग इसको लिख लीजिए इसको लिखने के बाद इसको पढ़ के तीन बार ताली बजाते हैं मान के चलो कि आपको लगे कि आपके घर में तंत्र का प्रभाव है तो सिर्फ इसको पढ़ के तीन बार ताली बजाना है हर शाम जब तक प्रभाव दूर ना हो जाए लगे कि आसपास में किसी दुष्ट आत्मा का विचरण हो रहा है तो पढ़ के तीन बार ताली बजाओ और वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी इसके सिद्धि का विधान है सिद्धि का क्या विधान है तो शनिवार के रात में एक सरसों का दिया लेके दक्षिण मुख बैठ करके इसका एक हज़ार जाप किया जाता है कायदे से नौ नौ सौ निन्यानवे ही जाप किया जाता है अगर गिन सको तो नौ सौ निन्यानवे जाप किया जाता है है ना और उसके बाद राई से इसका हवन होता है इस मंत्र का इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है इसी मंत्र का मारन में जब प्रयोग होता है तो दीपावली से पहले पहली वाली रात जो जम का दिया निकलता है उसमें जो दीपक होता है दीपक में आ, रुई के बदले चमड़े की बत्ती लगाई जाती है और वो जब वो बत्ती आती है तो उससे फिर मारन का प्रयोग होता है वो पूर्ण नहीं बताऊंगा अभी आप मंत्र सुनो मंत्र लिख लो सिद्ध अगर ना भी करो तो बस पढ़ के तीन बार ताली बजा देना जो भी नेगेटिव एनर्जी आसपास है वो चली जाएगी मंत्र है तर धरती ऊपर आकाश प्राण पीठी गुरु के पास राति राखे चंद्रमा दिन राखे सूर्य काल कष्ट भरी जहाँ ले जाए मेरी ताड़ी जहाँ ले घन होई जाए चौकी काल भैरव की चौकी महावीर की चौकी नारसिंह की चौकी गौरा पार्वती की दोहाई लोना चमाइन की दोहाई बड़ा सीधा शब्दों में ये मंत्र है इस मंत्र को बस पढ़ के और तीन बार ताली बजा देना है सिद्ध करने का क्या फ़ायदा है सिद्ध करने का फायदा है कि अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आप इस मंत्र का प्रयोग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं कहीं गए और इसका हवन किया हवन करने से आपको वही फल की प्राप्ति होगी दूसरों के लिए जो खुद पढ़ के ताली बजाने से खुद के लिए होती है देखो अभी जैसे होली आ रही है ऐसा माना जाता है कि लोना चवारी के मंत्र का अभी अगर होलिका दहन के दिन होलिका जहाँ जली है उसकी लकड़ी को ले हवन करते हुए मंत्र का जाप करें तो दर्शन भी देती है तो अगर इतने बड़े महागुरु के दर्शन हो जाए तो उससे बढ़िया क्या है दो तीन दिन जो साल में जो तंत्र के लिए बड़ा दिन माना जाता है उसमें एक होली है एक दीपावली की से पहले वाली चौदस है जो काली चौदस कहते हैं भैरवाष्टमी है इन सब दिनों को अगर आप इन सब रातों में लोना चवारी साधना को सिद्ध करेंगे मैं और भी मंत्र आगे दूंगा तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा जो तांत्रिक हैं वो इसको ज़रूर सिद्ध करें मंत्र एक बार फिर से सुनिए तर धरती ऊपर आकाश प्राण पीठी गुरु के पास राती राखे चंद्रमा दिन राखे सूर्य काल कष्ट भरिपूर जहाँ ले जाए मेरी ताड़ी तहाँ ले घन होई जाए चौकी काल भैरव की चौकी महावीर की चौकी नार सिंह की चौकी गौरा पार्वती की दोहाई लोना चमाइन की दोहाई ठीक है सिद्ध कर लिया बहुत बढ़िया नहीं सिद्ध किया तो फिर सिर्फ तीन बार ताली बजाना है इस मंत्र को पढ़ के अगर घर में नेगेटिविटी ज़्यादा हो या फिर काले जादू के प्रभाव से आपका घर बहुत दिन से काले जादू के प्रभाव में है तो इसको करने का विधान थोड़ा बदलता है वो ये है कि सबसे पहले घर के मध्य में आपको खड़ा हो के इस मंत्र का उच्चारण करके और फिर तीन बार ताली बजाना होता है उसके बाद घर के हर एक कोने में एक एक करके मतलब पहला कोना दूसरा कोना तीसरा कोना एक के बाद एक पूरा हर कोने में जा करके इस मंत्र को पढ़ के ताली बजाना होता है ठीक है जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो घर में खिड़की या दरवाजा में से कुछ एक खोल के रखेंगे ताकि जो भी अनवांटेड एनर्जी है उसको निकासी का एक द्वार मिले ठीक है तो ये उनके लिए जिनके घर में बहुत दिन से काला जादू है हवन भी इसका कर सकते हैं राई से हवन एग्रेसिव होता है नॉर्मल हवन आप नॉर्मल हवन सामग्री से भी अगर इसका हवन करेंगे तो घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी एक बार फिर से मंत्र बोलते रहूं धरती ऊपर आकाश प्राण पीठी गुरु के पास राती राखे चंद्रमा दिन राखे सूर्य काल कष्ट भरीपूर जहां ले जाए मेरी ताड़ी तहां ले जाए धन हो जाए चौकी काल भैरव की चौकी महावीर की चौकी नारसिंह की चौकी गौरा पार्वती की दुहाई लोना चमाइन की दुहाई ठीक है तीन बार बता दिया आप लोगों ने मंत्र लिख लिया होगा आज के लिए इतना ही होली आ रही है आप सभी को सतर्क रहना चाहिए जो मैंने पहले का बंधन मंत्र दिया है जिनको ऐसा लगता है कि उन पे या उनके परिवार पे दुश्मनों की नज़र है वो बंधन मंत्र करके रखें होली में जिसको विशेष साधना करनी है होली साधना का एक ग्रुप शुरू हुआ है लेकिन वो जो ग्रुप है तीन दिन पहले आप लोगों को उसको ज्वाइन करना होगा मतलब होली से तीन रात पहले से उसका हवन शुरू होगा उसी का श्री गणेश था जो कमला हवन हमने अभी बीच में मंदिर में किया था तो जिनको होली वाले ग्रुप में जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मैं उनको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा दो उसमें एक साधना होगी एक तो भैरव की आकर्षण साधना होगी और एक आ, सुरक्षा साधना होगी जो रक्षा साधना होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक रक्षा साधना जो जीवन भर आपके साथ रहेगी लेकिन बस उस तीन दिन में आप सिद्ध कर लो क्योंकि जब आप इस तरह के तेज़ साधनाओं को सिद्ध करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी शक्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करती हैं आपका मन विचलित करती हैं आपको साधना से दूर ले जाती हैं तो दोनों साधनाएँ मैं ऐसे दूंगा जिसमें कि आपके आसपास की शक्तियां परेशान होंगी फिर वो आपको परेशान करेंगी तो अगर आप सबल हैं आपको लगता है आप ये साधनाएं कर सकते हैं तो होली साधना ग्रुप से जुड़िए जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा साधना शिविर जो फरवरी का था वो मार्च में चला गया है इस बार शिविर थोड़ा हम लोग वृहद करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा और प्लान्ड होगा अब लाखों लोग जुट गए हैं जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें जो बेसिक साधना होती है बंधन आसन ये सब सिखाया जाता है डायरेक्ट बात करने के लिए किसी समस्या के लिए कॉल मी फॉर ऐप है उसको आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उसको गुरु तरण जेट सी एम फोर मिलेगा आप उस पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अकबूर तंत्रा से डॉट एक्स वाई जेट पर जाइए उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नंबर मैंने पहले बताया कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अन्यथा ना करें आप सभी पे गुरु यमुना चौहारी की कृपा बरसती है ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश